वेल तो गाइस इस समय सबकी निगाह यहाँ पर धीरोक रामरेज और कोड़ी रोड के ऊपर है। तो आखिर इनके बीच क्या होगा, यहाँ पर धीरोक आखिर क्या करने वाले इन सबके साथ। तो गाइस सच में यहाँ पर धीरोक का जिस प्रकार आज रिटर्न देखने को मिला उसे देखकर यही साफ पता चलता है कि कुछ बवाल होने वाला है। और वैसे आज के मैच में यहाँ पर रामरेज ने कोड़ी रोड को काफी रिस्पेक्ट भी दिया। तो वेल गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आखिर इनके बीच क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आज की इस बैड ब्लड इवेंट में यहाँ पर दी फाइनल बॉस यानी धीरोक का रिटर्न को मिलता है। और ये जो यहाँ पर रिटर्न था धीरोक का ये केवल एंट्रेंस ही तक था, वो यहाँ पर रिंग में नहीं जाते। और गाइस यहाँ पर मैच समाप्त होने के बाद रामरेज कोड़ी रोड को हाथ में टाइटल देते हैं और कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं उनको। और गाइस जैसे यहाँ पर धीरोक का रिटर्न होता है उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है यहाँ पर कोड़ी रोड और रामरेज काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वेल हम तो नहीं होते क्योंकि हमें पहले से पता था यहाँ पर धीरोक का रिटर्न होने ही वाला है क्योंकि उन्होंने काफी पहले ही जॉर्जिया में उन्हें टीज कर दिया था। उसके बाद गाइस धीरोक यहाँ पर फिंगर्स दिखाते हैं 3-2-1 और इसका मतलब समझे आप यहाँ पर धीरोक वर्सेस रामरेज वर्सेस कोड़ी रोड और ये तीनों के बीच वन ऑन वन मैच होने वाला है इस बार रसोमेनिया में। और वेल गाइस इस समय ये रूमर्स काफी तगड़ा चल रहा है पर धीरोक भी पार्टिसिपेट करेंगे इस बार रसोमेनिया 41 में। और इस बार रसोमेनिया में जब धीरोक पार्टिसिपेट करेंगे तो कोड़ी रोड 100% अपने यहाँ पर टाइटल लूज करने ही वाले हैं। वैसे गाइस यहाँ पर धीरोक का रिटर्न हो चुका है तो इस बार यहाँ पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है इनके बीच। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलता है और क्या कुछ होगा इनके बीच।